हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर डॉट 87। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लुब्रिकेशन सिस्टम इन इंजन। तो ये जो पूरा वीडियो है वो आपके इंटरव्यू में भी काम आ सकता है और आपकी कॉलेज में वाइवा है तो उसके अंदर भी आपको यूजफुल होगा। तो लास्ट तक वीडियो को देखना गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो चलिए पहले देखते हैं कि व्हाट इज लुब्रिकेशन। तो लुब्रिकेशन है क्या एक्चुअली, तो मैं सिंपल वे में अगर कहूँ तो इट इज अ डिफाइंड एज सप्लाइंग लुब्रिकेंट बिटवीन टू सरफेस दैट आर इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। तो यहाँ पे क्या होगा, इंजन जब रनिंग कंडीशन में होगा तो कोई भी हमारी दो चीज है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगी तो उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होगा। तो वो फ्रिक्शन कम करने के लिए हम लुब्रिकेंट का यूज करते हैं, ऑयल या फिर कोई और लिक्विड यूज करते हैं। तो बेसिकली इंजन में तो हम ऑयल ही यूज करते हैं तो वो उसको लुब्रिकेंट कहते हैं। और ये जो सारी प्रोसेस है फ्रिक्शन कम करने की उसको क्या कहते हैं, लुब्रिकेशन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इट इज डिफाइंड एज सप्लाइंग लुब्रिकेंट बिटवीन टू सरफेस दैट आर इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ लुब्रिकेशन। तो ये जो लुब्रिकेशन प्रोसेस है उसका बेनिफिट तो कुछ हमें मिलना चाहिए, तो इसका बेनिफिट क्या है वो देखते हैं। तो आप देख सकते हैं पहला बेनिफिट ये है कि रिड्यूस फ्रिक्शन। ये जो इंजन के पार्ट्स होते हैं वेरियस पार्ट्स उनके बीच का जो फ्रिक्शन है उसको कम करता है। फिर दूसरा है रिड्यूस वियर एंड टीयर। ठीक है, तो ये वियर एंड टीयर को कम करता है। फिर इंजन का जो पावर आउटपुट है उसको वो ये इंक्रीज करता है, क्या, लुब्रिकेशन सिस्टम। और वाइब्रेशन जो इंजन के अंदर होते रहते हैं जब इंजन रनिंग कंडीशन में होता है तो वो वाइब्रेशन को कम भी हम ये लुब्रिकेशन के यूज से कर सकते हैं। फिर ये जो वेरियस पार्ट्स है इंजन के उसको प्रोटेक्ट करता है। फिर गैसेस का जो लीकेज है उसको प्रिवेंट करता है। तो ये सारे बेनिफिट हो गए लुब्रिकेशन के। ओके, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं विच पार्ट्स नीड लुब्रिकेशन। तो इंजन में कौन से पार्ट्स है कि जिनका लुब्रिकेशन होना चाहिए तो वो देखते हैं। पहला है पिस्टन एंड सिलेंडर है, उसका हमें लुब्रिकेशन करना चाहिए। फिर मेन बेरिंग है हमारी, फिर कनेक्टिंग रोड का बिग एंड है स्मॉल एंड है वो दोनों को हमें लुब्रिकेशन देना चाहिए। फिर गियर है इंजन के अंदर जो आते हैं, कैम शाफ्ट है, वाल्व मैकेनिज्म है आपकी उसको भी लुब्रिकेशन देना चाहिए और कैम्स है उसको भी लुब्रिकेंट करना चाहिए। तो उसके बाद अब देखते हैं पहली जो हमारी लुब्रिकेशन सिस्टम है वो हमारी है मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम। क्या है, मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम। तो इसके अंदर हम कैसे इंजन को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये फिगर मैंने ली है। तो ये बेसिकली जो टू स्ट्रोक है इंजन है उसके लिए ये जो मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम है वो यूजफुल होती है। टू स्ट्रोक इंजन में ये ज्यादातर यूज होती है। इसको पेट्रोल लुब्रिकेशन भी कहते हैं। तो अगर आपको कोई पूछे कि मिस्ट लुब्रिकेशन का दूसरा नाम क्या है तो आप कह सकते हैं पेट्रोल लुब्रिकेशन सिस्टम। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर के यहाँ कि जो सक्शन स्ट्रोक होगा हमारा टू स्ट्रोक इंजन में तो हम क्या करेंगे, हमारा जब सक्शन स्ट्रोक होगा तो एयर और फ्यूल तो आएगा ही और साथ में हम 3% से 5% तक हम जो एयर और फ्यूल है उसके अंदर ऑयल को मिक्स कर देंगे। ठीक है, तो एयर और फ्यूल यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूल एयर प्लस ऑयल ये तीनों एक साथ सक्शन स्ट्रोक में आएंगे। तो यहाँ से मेरे ये तीनों आएंगे और ये जो फ्यूल और एयर के साथ जो मेरा ऑयल मिक्स है तो वो क्या करेगा, ये जो सारी सरफेस है कनेक्टिंग रोड है पिस्टन है फिर सिलेंडर है और ये जो क्रैंक शाफ्ट है ये सारे पार्ट्स को वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा। और इससे क्या होगा कि इंजन है वो स्मूथ चलेगा, इसमें वियर एंड टीयर कम होगा, फिर इसका फ्रिक्शन थोड़ा बहुत कम होगा। तो ये जो सिस्टम में हम ऐसा करते हैं। सो गाइज, आई होप आपको ये जो मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम है वो आपको कंसेप्ट है उसका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज अगर हम ये जो मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम है उसके देखें तो सिंप्लिसिटी, फिर लो कॉस्ट,
लेजर ले लेता हूँ, सिंप्लिसिटी है इसके अंदर, मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम के अंदर, फिर कॉस्ट उसकी है वो लो है, फिर मेंटेनेंस कॉस्ट यहाँ पे कुछ नहीं आती है, फिर इंजन का जो वेट है वो लेस रखता है ये मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम। डिसएडवांटेज की अगर बात करें हम तो जो स्मोक है, जो धुआं प्रोड्यूस होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम फ्यूल और एयर के साथ ऑयल को मिक्स करते हैं, तो जो धुआं प्रोड्यूस होगा वो बहुत हैवी होगा, मतलब अमाउंट उसका ज्यादा होगा। फिर रिडक्शन इन इंजन एफिशिएंसी, क्यों? क्योंकि हम फ्यूल एयर के साथ ऑयल मिक्स करते हैं तो उसका परफॉर्मेंस और इंजन की एफिशिएंसी वो कम रहेगी, ठीक है। फिर प्रॉब्लम इन इंजन स्टार्टिंग, तो यहाँ ऑयल आएगा साथ में तो इंजन स्टार्टिंग में प्रॉब्लम थोड़ा रहता है। फिर अगर बात करें तो दूसरा है वेट सम, तो वेट सम के अंदर हमारे पास दो लुब्रिकेशन आते हैं, स्प्लेस लुब्रिकेशन एंड प्रेशर लुब्रिकेशन। तो प्लेस लुब्रिकेशन में क्या है, तो पहले आप यहाँ नीचे देखिए, ये जो आपको दिख रहा है और ये जो डॉटेड लाइन है वो हमारा वेट सम्प है, ठीक है, इसको वेट सम्प कहते हैं, और इसके अंदर हमारा ऑयल भरा रहता है। तो यहाँ आपको ऑयल ट्रफ दिख रहा होगा, तो ये ऑयल ट्रफ है, उसको वेट सम्प भी कहते हैं, उसके अंदर हम ऑयल को भरते हैं। फिर अगर हमारा ये जो ओवरफ्लो हो जाए तो ये इसका पाइप है, ओवरफ्लो पाइप ऑफ ऑयल, ओके। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा क्रैंकशाफ्ट है, तो क्रैंकशाफ्ट का जो बिग एंड है तो उसके नीचे आपको ये स्कूप दिख रहा होगा, ठीक है। ये स्कूप के यूज से क्या करते हैं कि जैसे ही हमारा इंजन रोटेट होगा तो ये स्कूप के अंदर थोड़ा बहुत ऑयल यहाँ इकट्ठा होगा, और ये स्कूप जब ऊपर जाएगा मीन्स ये जो क्रैंकशाफ्ट है वो ऐसे रोटेट करेगा, तो क्या होगा, ये जो स्कूप में ऑयल था वो पूरे इंजन सिलेंडर पिस्टन के ऊपर उसका छटका होगा, ठीक है। तो ये स्कूप के यूज से हम जो पूरे इंजन के सारे पार्ट्स है वहां तक ऑयल को पहुंचाते हैं, तो इसको कहते हैं स्प्लेस लुब्रिकेशन सिस्टम। ये कनेक्टिंग रोड है, ये क्रैंकशाफ्ट है और ये क्रैंक वेब है। तो यहाँ आपको इतना ही याद रखना है कि जो स्प्लेस लुब्रिकेशन है वो वेट सम का ही एक टाइप है, और उसके अंदर हम स्कूप का यूज करते हैं ऑयल को इंजन के सारे पार्ट्स में ले जाने के लिए, ठीक है। तो ये स्कूप बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये स्प्लेस लुब्रिकेशन के अंदर। उसके बाद है प्रेशर लुब्रिकेशन, तो ये वेट सम्प है उसका ही दूसरा टाइप है प्रेशर लुब्रिकेशन। तो इसमें क्या होता है चलिए देखते हैं। तो ये आपको ऑयल सम्प दिख रहा होगा, ये डॉटेड लाइन आपको दिख रही है वो हमारा ऑयल है, और वो ऑयल हम ऑयल सम्प के अंदर हम भरते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिल्टर पहले यूज होता है, ये ऑयल है वो फिल्टर में जाएगा, फिल्टर में कोई छोटी बहुत इम्प्योरिटी होगी तो वो निकल जाएगी, फिर ये फिल्टर ऑयल है वो ऑयल पंप के अंदर जाता है, और ऑयल पंप इसको उसका प्रेशर बढ़ा के जो मेन लाइन है वहां पे भेजता है। तो ये हमारा ऑयल है वो यहाँ जाएगा, तो ये क्रैंकशाफ्ट है, ये सारे जो फोर सिलेंडर इंजन है, तो इसका जो ये पिस्टन और सिलेंडर होगा और फिर नीचे ये जो उसके क्रैंकशाफ्ट होंगे वो है। तो यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट में छोटे छोटे हॉल होते हैं, तो यहाँ से हमारा प्रेशराइज्ड ऑयल यहाँ पे मेन लाइन में जाएगा और फिर छोटे छोटे होल में जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो हमारा ऑयल है वो कहाँ कहाँ जाएगा वो यहाँ पे लिख रखा है कि ये टाइमिंग गियर के वहाँ जाएगा, ये हमारी मेन लाइन है, मेन लाइन में से यहाँ सारे इंजन के पार्ट्स होंगे वहाँ जाएगा, तो टाइमिंग गियर में जाएगा, रोकर आर्म में जाएगा, और ये प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए, ऑयल का प्रेशर है उसको कांस्टेंट रखने के लिए यहाँ प्रेशर गेज यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ से फिर ऊपर बिग एंड एंड स्मॉल एंड बेरिंग है, वहां पे ऑयल जाएगा थ्रू द होल ड्रिल्ड इन कनेक्टिंग रोड्स। तो ये कनेक्टिंग रोड्स है उसके अंदर होल्स होते हैं छोटे छोटे, जो वहां से कहाँ जाएगा, बिग एंड एंड स्मॉल एंड टू बेरिंग, ओके। तो आई होप गाइस आपको ये वेट सम्प है उसका दो टाइप है स्प्लेस लुब्रिकेशन, इसमें आपको सिर्फ स्कूप याद रखना है मेन चीज, और दूसरा प्रेशर लुब्रिकेशन, इसमें आपको इतना याद रखना है कि पंप के थ्रू हमारा प्रेशराइज्ड ऑयल है वो मेन ऑयल लाइन में से इंजन के और सारे कई सारे पार्ट्स होते हैं वहां पे हमारा ऑयल
जाता है, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेट सम लुब्रिकेशन सिस्टम। तो एडवांटेज की बात करें हम, तो पहले इसका यूज कहाँ होता है, तो देखिए ऑलमोस्ट यूज इन ऑल ऑटोमोबाइल। तो फिलहाल जो सारी ऑटोमोबाइल्स है, सारी कार्स, उसके अंदर ये यूज होता है। कौन सी? वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। तो एडवांटेज बात करें तो डिजाइन में सिंपल है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक्सटर्नल सप्लाई टैंक नॉट रिक्वायर्ड। तो यहाँ कोई एक्सटर्नल टैंक हमें एक्सटर्नल टैंक होगा उसका यूज यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन अब ड्राई सम्प में होता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो डिसएडवांटेज क्या है कि ऑयल पंप रिप्लेस इज डिफिकल्ट। तो यहाँ देखिए पंप जब भी बिगड़ जाता है तो उसको रिप्लेस करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो ये इसका मेन डिसएडवांटेज हो गया। और ये जो ये पॉइंट है वो आपको आगे क्लियर हो जाएगा, लास्ट तक देखना वीडियो को। और ये जो अभी जो फिलहाल जो सारी कार है उसके अंदर जो यूजफुल होता है वो यही है, वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं ड्राई सम्प। ड्राई सम्प की बात करें तो यहाँ ड्राई सम्प पहले क्यों कहते हैं, तो यहाँ पहले जो सम्प होता है वो पहले इनिशियल कंडीशन में ड्राई होता है, मीन्स यहाँ कोई ऑयल और ये फिर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ क्या था, पहले से ही ये जो ऑयल सम्प है वहां पे ऑयल हम इकट्ठा करके रखते थे, लेकिन यहाँ जो सम्प है वो ड्राई रहता है, इसीलिए इसको ड्राई सम्प कहते हैं। तो यहाँ प्रोसेस क्या होती है, तो पहले यहाँ ऑयल रिजर्वर आपको दिख रहा होगा, तो हम ऑयल को यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ क्या हुआ कि ये जो हमें यहाँ देखिए एडवांटेज में क्या था कि एक्सटर्नल सप्लाई टैंक इज नॉट रिक्वायर्ड इन वेट सम्प लुब्रिकेशन, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो ऑयल टैंक है वो हमें रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि हमें वहां पे ऑयल को स्टोर करना होता है। तो यहाँ पहले हम ऑयल को स्टोर करके रखते हैं। ये वेंट का यूज यही है कि इसमें से जो हवा है उसको बाहर फेंक देता है, वेंट के पाइप के थ्रू जो हवा होती है वो बाहर चली जाती है। तो यहाँ से ऑयल हमारा आएगा, ये हमारा ऑयल पंप है, और ये जो प्रेशर रिलीफ वाल्व है उसका यूज क्या होता है कि ये जो इसके अंदर जो हमारा ऑयल आगे जाएगा उसके जो प्रेशर को कांस्टेंट रखता है, तो इसीलिए ये प्रेशर रिलीफ वाल्व का यूज होता है। तो यहाँ से रिजर्वोयर में से ऑयल आएगा, फिर ऑयल पंप के थ्रू जो प्रेशर उसका ज्यादा होगा, ये जो ऑयल पंप है वो प्रेशर को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। और वहां से ऑयल जाएगा फिल्टर में, फिल्टर में ऑयल फिल्टर होने के बाद जो ऑयल कूलर है वहां पे जाएगा ठंडा होने के लिए, और फिर ये ऑयल है वो हम इंजन के वेरियस पार्ट्स है, फिर बेरिंग्स है, कनेक्टिंग रोड है, पिस्टन है, फिर सिलेंडर, वो सारे इंजन के पार्ट्स में ये ऑयल हम जाने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ का प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑयल है हमारा गिर के यहाँ ड्राई सम्प में इकट्ठा होगा, ठीक है। तो यहाँ से इंजन के सारे पार्ट्स में ऑयल जाके फिर उसमें गुजर के यहाँ जो ड्राई सम्प है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वो यहाँ पे स्टोर होगा। फिर यहाँ से स्ट्रेनर यूज होता है। स्ट्रेनर में से क्या होगा कि जो कोई बहुत बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज होगी वो स्ट्रेनर के थ्रू से वो निकाल दी जाएगी, और जो हमारा जो ऑयल होगा वो एकदम क्लियर होके यहाँ से जाएगा स्कैवेंजिंग पंप में। स्कैवेंजिंग पंप में से जाके ऑयल हमारा फिल्टर में जाएगा, फिल्टर में फिर से हमारे जो स्मॉल इम्प्योरिटीज है वो यहाँ पे दूर होगी। यहाँ स्ट्रेनर है वहाँ पे जो बड़ी इम्प्योरिटी है वो हम रिमूव करते हैं, और यहाँ फिल्टर में छोटी इम्प्योरिटी है उसको रिमूव करते हैं। तो यहाँ से फिर से वो ऑयल यहाँ रिजर्वर में आएगा, और यही प्रोसेस चलती रहेगी। और यहाँ पे जो ये फिल्टर बाईपास प्रेशर रिलीफ वाल है इसका यूज क्या है वो मैं आपको कह देता हूँ कि अगर कभी क्या होता है कि फिल्टर है वो उसमें ज्यादा इम्प्योरिटीज और ज्यादा मतलब कचरा फंस जाने से क्या होता है कि ये फिल्टर ब्लॉक हो जाता है। तो जब भी ये फिल्टर ब्लॉक होगा तो ये ऑयल को रास्ता नहीं मिलेगा। तो उसके लिए यहाँ देखिए यहाँ से वो ऑयल हमारा जाएगा, ये प्रेशर प्रेशर रिलीफ वाल है वो
प्रेस हो जाएगा और यहाँ से ऑयल हमारा आगे जाएगा, मतलब हमारी प्रोसेस है वो रुकेगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये बाईपास प्रेशर रिलीफ वाल है उसका फंक्शन यही है कि जब भी कोई फिल्टर है वो अगर हमारा बिगड़ जाए तो वो जो ऑयल है वो रुकना नहीं चाहिए, यहाँ से बाईपास होके चला जाएगा रिजर्वॉयर के अंदर। तो आई होप गाइस आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि एडवांटेजेस। तो पहले ये जो सिस्टम है ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम वो कहाँ पे यूज होती है, तो रेसिंग कार्स है वहाँ पे ये यूजफुल होती है, एंड ऑफ रोडिंग कार है वहाँ पे भी ये सिस्टम ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम यूज होती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया इंटरव्यू के लिए और वाइवा के लिए कि हमारी जो ड्राई सम्प है वो कहाँ यूज होता है। तो आप कह सकते हैं कि रेसिंग कार एंड ऑफ रोडिंग कार से वहाँ पे ये जो ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम यूज होता है। तो एडवांटेज की बात करें हम तो ये इंजन की रिलायबिलिटी है उसको इम्प्रूव करता है, फिर ऑयल की कैपेसिटी बढ़ाता है। देखिए यहाँ पे पूरा रिजर्वर हमने अलग से दे दिया है, बाकी सारे में क्या था यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ ऑयल हम सम्प के अंदर स्टोर करते थे, लेकिन यहाँ पूरा एक रिजर्वर ही हमने दे दिया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इंक्रीज ऑयल कैपेसिटी, फिर ऑयल टेम्परेचर कंट्रोल को इम्प्रूव कर सकता है, फिर व्हीकल की हैंडलिंग एंड स्टेबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है ये ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। फिर एक्सटर्नल पंप अरेंजमेंट यहाँ पे होती है, तो आप देख सकते हैं ये दो पंप, यहाँ ऑयल पंप है और स्कैवेंजिंग पंप, तो ये एक्सटर्नल पंप अरेंजमेंट होती है तो उसको रिप्लेस करना आसान रहता है। यहाँ पे क्या था कि आप देखिए प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम में ये जो पंप है वो इंटरनली है तो उसको चेंज करना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन यहाँ एक्सटर्नली हम पंप को सेट करते हैं तो रिप्लेस करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं, डिसएडवांटेज अगर देखें तो ये वेरी कॉस्टली है, ठीक है, सबसे ज्यादा कॉस्टली यही सिस्टम है ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। फिर कॉम्प्लेक्स एंड हेवी वेट, उसका वेट ज्यादा है और कॉम्प्लेक्स है, तो आप फिगर से ही आपको मालूम चलता है कि थोड़ा बहुत ये सबसे कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फिर रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल ऑयल एंड मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है और एडिशनल ऑयल हमें चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमें ऑयल स्टोर करना होता है रिजर्वॉयर के अंदर, तो हमें एडिशनल ऑयल चाहिए। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेज है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को आपको फ्रेंड के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।